अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको चैनल पर वेलकम करता हूँ। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और गाइस, वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो गाइस, आज की वीडियो के हवाले से थोड़ा बता दूँ, जो कि आज की वीडियो टिकटॉक पे ट्रेंड पे है, तो जिसका नाम है 3D Zoom Pro। तो उसके अब अपनी पिक पर हम किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी पिक को किस तरह हम अफेक्ट में लगा सकते हैं। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के चलते अपनी स्क्रीन पर। तो गाइस, सबसे पहले आपके एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है कैपकट ऐप। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद आने के बाद आपने करना कि आपने न्यू प्रोजेक्ट में चले जाना है। तो जैसे यहाँ पर जाएंगे तो अपने जो सी पिक आपने सेलेक्ट करने से लगाने के लिए वो अपनी तस्वीरें सेलेक्ट कर लें। तो जैसा कि मैं अभी करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, तस्वीरें मेरी सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो गाइस, आप अपनी मर्ज़ी से जितनी भी तस्वीरें वगैरह ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो गाइस, आपने करना क्या है, जो उनसे पिक पर आपने सबसे पहले लगाना है, तो आपने उससे पहले थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कर लेना, यानी कि थोड़ी छोटी कर लेनी है। तो उसके बाद इसे 1.5 पे करना है सब पिक्स को, आप 1.5 में कर लें सबको। तो जैसा कि मैं भी आपको करके दिखा दे, तो उसके बाद गाइस, आपने करना क्या है, इस पिक मतलब कि जोन्स पिक पे आपने उसे 3D Zoom Pro करना है। तो आपने उसे सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने स्टाइलिश में चले जाना है। तो यहाँ पे 3D Zoom जो था फर्स्ट वाला है, आपने उसे क्लिक करना है। तो गाइस, जैसे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइस, अगर आपका ऐसा ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने करना क्या है, आपने जो सी कैप का टैप किसे अपडेट करेंगे तो ये ज़रूर ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके बाद गाइस, आपने नेक्स्ट फोटो में चले जाना है। तो उसे फिर आपने ओके कर देना, यानी कि ये फिर ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, आपने अपनी तमाम पिक पर बारी बारी कर देना है। तो मैं जैसा कि एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, जैसा कि ये अभी हो रहा है, तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो उसके बाद गाइस, आपने इसे फिर नेक्स्ट फोटो में चले जाना, इसे 3D Zoom Pro कर देना है। तो गाइस, ये जो कि टिकटॉक पे बहुत ही ट्रेंड चल रहा है, तो उसके बाद गाइस, आपने इसे यहाँ पे ओके कर देना है। तो जैसा कि अभी ये 99 हो चुका है, तो उसके बाद मैं इसे ओके करने लगा। तो गाइस, ये मेरी तमाम पिक्स पर लग चुके हैं। तो उसके बाद गाइस, आपने करना कि यहाँ से इसे क्लिक करके ओपन कर, यानी सेलेक्ट कर लेना। तो उसके बाद गाइस, आपने करना क्या, अगर आप कोई भी साउंड ऐड करना चाहते हैं तो आपने ऐड ऑडियो में चले जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद आपने कोई भी आप साउंड ऐड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद गाइस, आपने करना क्या, बैक है ना, जैसा कि मैं ये करने लगा हूँ। तो गाइस, मेरे माइक की वजह से आपको वॉइस नहीं आएगी, तो बाकी के दौर मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, इसका ट्रेंड जो कि टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा है, तो इससे आपको लाइक व्यूज़ वगैरह बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे। तो गाइस, हमारी वीडियो यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। तो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में। तो इसी तरह आप वीडियो को देखते रहें और लाइक शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि आपको आने वाले न्यू ट्रेंड्स और नई ऐप्स वगैरह की एडिटिंग के मतलब आपको फौरी मिलते हैं। तो उसके बाद गाइस, आपने सेव किसे कैसे करना है, तो आपने इस आइकन को क्लिक करना है। तो गाइस, ये सेव होना शुरू हो चुका है। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट